एम्बुलेंस भी 51 गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं, एनडीआरएफ की टीम्स पहुंच रही हैं। जिस तरह से लोग फंसे हुए हो सकते हैं इन बोगीज में, उनको निकालने में भी बड़ी चुनौतियां होंगी, इसीलिए तमाम ये कार्य उठाए जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली से क्या अपडेट है? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का जाना और डीजी सेफ्टी उनके साथ जा रहे हैं वरुण, लेकिन दूसरी तरफ अभी सारा का सारा फोकस रेलवे का कि कैसे वहां पर स्थानीय स्तर पर जल्द से जल्द इलाज हो और परिवार वालों को इन्फॉर्मेशन मिले, इसी पर फोकस होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन आ रही है वहाँ पर हालात को समझना, वहाँ के हालात के हिसाब से रेस्क्यू ऑपरेशन करना, रात हो रही है, रात में रेस्क्यू ऑपरेशन करना बेहद मुश्किल हो जाता है। हालांकि एनडीआरएफ की दो टीमें और इसके अलावा एसडीआरएफ की जो स्टेट डिजास्टर टीमें हैं वो भी करीब 6 टीमें ऑलरेडी वहाँ की तरफ मूव कर चुकी हैं, इसलिए नंबर ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए आपको ये सोचना होगा, क्योंकि एक बोगी, दो बोगी, तीन बोगी और ऐसे करीब 12 बोगियों की कहा जा रहा है जो हताहत हुई हैं, उन बोगियों में फंसे हुए लोगों को निकालना, वहां से सीधे जो हॉस्पिटल्स है नजदीकी वहां तक पहुंचाना, तो ये तमाम ऐसी कवायद है जिसकी जानकारी लगातार रेलवे बोर्ड, रेलवे के तमाम अधिकारी ले रहे हैं। यहां से दिल्ली से मूव कर गए हैं, वहां पर स्थिति क्या होगी, क्या स्थिति है उसको जानने के लिए मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है। यहां पर रेल मंत्रालय ने इस पूरी मामले को समझते हुए जानकारियां लगातार जो है वो शेयर करने की कोशिश करी है, लेकिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि ऐसे हादसों में जो लोग इस समय उस समय ट्रेन में थे, जो लोग कहीं ना कहीं इंजर्ड हुए हैं उनके अपने लोग लगातार फिक्रमंद हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर स्थिति है क्या, वहां पर क्या हालात हैं, और शायद यही वजह है कि हेल्पलाइन नंबर्स के जरिए इंफॉर्मेशन साझा की जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट से बात की जा रही है। क्या ये कंफर्म हो गया है, क्योंकि हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं, 308 तो सीपीआरओ ने हमें बताया कि लोग थे जो बीकानेर से चढ़े, कुल मिलाकर लगभग 1200 लोग इस ट्रेन पर सवार थे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से व्यूजर्स हैं करीब 1150 लोगों की संख्या हालांकि आ रही है निकल के, अभी तक हालांकि ऑफिशियल ये नहीं कहा गया है, लेकिन हाँ करीब 1100-1200 लोग ऐसे हैं जो ट्रेन के अंदर सवार थे। 12 बोगियां कहीं ना कहीं हताहत हुई हैं, 3 बोगियां अगर आप देख रहे होंगे व्यूजर्स में तो 3 बोगियां एक के ऊपर एक आपको नजर आ रही होंगी और एक चौथी बोगी बिल्कुल पलटी हुई है, तो ऐसे में इन बोगियों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना, अभी 4:53 की यह घटना है और ऐसे में लगातार इस ऑपरेशन को चलाए रखना, वहां से लोगों को निकालना बेहद मुश्किल भरा ये जरूर कह सकते हैं रेस्क्यू मिशन रहेगा, लेकिन हाँ कोशिश लगातार रेलवे की, स्टेट गवर्नमेंट की, एनडीआरएफ की जो रेस्क्यू ऑपरेशंस टीम है उनकी यही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग वहां पर इस समय बोगियों में फंसे हुए हैं उनको निकालकर नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाया जाए और हालात पर नजर रखते हुए जो भी एहतियात कदम उठाए जा सकते हैं उसको जल्द से जल्द उठाया जाए। जी एक बार इंद्रजीत आपके पास आते हुए, क्या मौके से कोई भी अपडेट आया है राहत कार्यों के बारे में इस वक्त? इंद्रजीत के पास चलेंगे, लेकिन इस बीच यहाँ दिल्ली से भी जो जानकारी आ रही है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जाएंगे। जी 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 इंद्रजीत बताएं, इंद्रजीत बताएं। जी हाँ बिल्कुल, जो खबर इस वक्त आ रही है कि मैनागुड़ी हॉस्पिटल जो है वहां पे 13 से 15 लोगों को, इंजर्ड जो लोग हैं उनको ले जाने की खबर इस वक्त आ रही है, वही सबसे करीब अस्पताल है और वहीं पे लिया जा रहा है जितने भी इंजर्ड पैसेंजर्स हैं, जो सरकारी सूत्रों के, पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से और जिला जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि 3 लोगों की मौत की पुष्टि इस वक्त हुई है और हम ये कह सकते हैं कि जितने लोग यहाँ पे शायद फंसे हुए हैं, इंजर्ड हैं, उनकी संख्या इस वक्त बढ़ सकती है। 3 फायर इंजन की बात इस वक्त हमें पता चल रही है कि वहां पे पहुंच गई है, 30 से 50 एम्बुलेंस वहां पे मौके पर इस वक्त पहुंच रही है और डिजास्टर रिस्पांस टीम है दार्जिलिंग जिले से, सिलीगुड़ी से, उनको भी रवाना कर दिया गया है ताकि जलपाईगुड़ी जिला वो पहुंच पाए और इस लोकेशन में पहुंच के डिजास्टर मैनेजमेंट में सहायता करें। हादसा बहुत बड़ा दिख रहा है। शरद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शरद, लगभग 700 यात्री थे, 1200 में से जो राजस्थान से सवार हुए थे, गैस कटर्स का इस्तेमाल करके लोगों को निकालना पड़ रहा है, जिस तरह से कुछ बोगियां पलटी हैं, किस तरह की जानकारी आप देंगे हमारे दर्शकों को इस हादसे के बारे में और जो इस वक्त राजस्थान से प्रतिक्रिया इस पर आ रही है? देखिए अंजना, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से बातचीत की है, उन्होंने भरोसा दिया है राहत काम का, लेकिन हमारे जो बीकानेर के रेलवे के अधिकारी उनको बताया गया है करीब 40 घायलों को अभी तक शिफ्ट कर दिया गया है वहां पर और लगातार जो एम्बुलेंस है वो घायलों को लेकर अस्पताल पहुंच रही, अभी रास्ते में है, तो करीब 40 के आसपास जो घायल थे वो उनको अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। वहां से मैनीगुड़ी
जगह है अस्पताल का, और जो ज्यादा घायल हैं उन्हें जलपाईगुड़ी रेफर किया जा रहा है। ये ट्रेन कल 1:45 में खुली थी और उसके बाद यहाँ पर बीकानेर और जयपुर होते हुए रवाना हुई थी। सुबह पटना से पटना में 6:45 निकली थी और 2 बजे किशनगंज पहुंची थी। वहां पर धुंध जैसे माहौल तो थे, जिसे बता रहे हैं वहां से जो बातचीत हुई है कुछ लोगों के ट्रेन में जो सकुशल हैं वहां बीकानेर के लोग, वो कह रहे हैं धुंध जैसा माहौल तो था, लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि कोई हादसे जैसा वहां पर ठंड की वजह से, कोहरे की वजह से कोई स्थिति थी। इसलिए हादसे की जो जानकारी है वो तो जांच के बाद ही समझ में आ पाएगा, लेकिन फिलहाल जो 700 लोग गए थे उनमें से ज्यादातर लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है रेलवे, क्योंकि रेलवे फॉर्म में जो फोन नंबर मोबाइल नंबर दिए गए थे वहां से सबको अपडेट किया जा रहा है, और जितने रेलवे के कर्मचारी हैं सबको दफ्तर में भी बुला लिया गया है, बीकानेर में भी, जयपुर में भी, और एक एक करके वहां पर संपर्क किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर जो बचाव काम में लगे हुए हैं वो अपडेट नहीं दे पा रहे हैं। जी अंजना,